नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट, हैराना रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में चल रहे अखंड पाठ का आज भोग डाला गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुद्वारा साहिब में अरदास की और मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने भारी संख्या में मौजूद संगत को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने सिखों की भावनाओं की कद्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा में अलग से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के केस की अच्छे से पैरवी की। इसी का नतीजा रहा कि फैसला हरियाणा की सिख संगत के पक्ष में आया है। इससे पंथ की एकता और मजबूती मिलेगी। सबसे विचार विमर्श करके और हरियाणा के समाज की एकता के रूप में और एक डेमोक्रेटिकली सेटअप जिसे होता है उस हिसाब से एड कमेटी बनेगी। हमें 18 महीने का उसको समय दिया जाएगा और उस 18 महीने के बाद नई कमेटी चुनाव होकर के आएगी। पुरानी एड कमेटी को उसको जो है हैंडओवर कर देंगे सारा चार्ज। इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई है एज पर एक्ट सारी की जाएगी। चुनाव के लिए कमीशन बनेगा और हमें एक अलग से व्यवस्था के नाते से दो अलग अलग बनेगी। वो सारा जो भी एक्ट संबंधित संबंध चीजें हैं वो सब की जाएंगी। और आज मेरी प्रसन्नता है, मैं पूरे सिख समाज का और पूरे जो भी हमारे कर्मी हैं, हमारे देराज के जो संत समाज के लोग हैं, जो प्रतिनिधियाँ हैं, उनके पदाधिकारी हैं और इतने सदस्य हैं, उन सबका भी मैं आभारी हूँ। ये सब ने एकता दिखा करके आज इस विषय को लेकर के एक हरियाणा सरकार को मान्य कर दी है। व्यवस्था करने के लिए वो आपसे करें, सबको साथ लेकर चलें और इतने विश्वास दिलाया कि सबको साथ लेकर चलें। मैं आज बहुत ही प्रसन्नता के नाल आप जी के सामने इस वेले आया हाँ। आप जी के दर्शन करने वास्ते मन की जिहड़ी इच्छा है वो मेरी अज पूरी हो रही है। ठीक क्या है चीका साहब ने कि 98 दे विच, बल्कि 96 तो लैके 98 तक हरियाणा में जिहड़ी सरकार चलती सी उस दे विच कुछ थोड़ा जिहा बहुत लेश मात्र तिनके जिन्ना वो योगदान इस दास का भी रहा है। बोले सोनिहाल उस वेले गल्लां सिर्फ सुनते सी कि इस तरह का कोई गल चल रही है, होनी चाहिए है कि नहीं चाहिए है। सवाल बड़ा पिछीदा सी कि अगर ये अलग व्यवस्था होवे तां की होएगा, ना होवे ते तां की होएगा। आपस गल्लां बातां चलदियां सी, हौले हौले गल अगे चली कि आखिर अलग व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था होने दे हर्ज भी की है। जो गल्लां अज चल रही ने, बहुत सारी आलोचना भी हो रही है, कई पक्षों गल आ रही है कि पंथक एकता दे च फूट पाई जा रही है। मेरा यह कहना है कि पंथक एकता साड़ी जो पहला सी उस तो भी मजबूत रहेगी। आखिर साड़ा अपना इतिहास है, गुरु परंपरा में असं मनण वाले हाँ। गुरुआं दे इतिहास में अगर असं देखिए समाज के हित में, देश के हित में, धर्म के हित में, पंथ के हित में जो उस वेले अत्याचार चल रहे से उन्होंने खिलाफ लोगों को तैयार करना, यह बहुत बड़ा काम पहली पातशाही गुरु नानक देव जी दे टाइम तो ही शुरू हो गई सी। साढ़े कोल इन्नी ताकत नहीं सी, सिर्फ उपदेश सिक्ख्या प्रचार उहदे राहीं लोगों को खड़ा करना, उन्होंने जज्बात पैदा करना, ये गुरु नानक देव जी वेले इस तरह की जरूरत भी सी। इस तरह सारे देश दे विच होर भी महापुरखों ने इस तरह की आवाज़ा उठाइया। हौले हौले एक टाइम इहो जिहा आ गया कि समाज दे कट ते हो गया, लेकिन बिना ताकत तो बिना शक्ति तो शायद ये काम पूरा नहीं होएगा। तो आखिर दशम पातशाही के टाइम तक बलिदान भी खूब होए और फिर एक सैनिक सिपाही एक फौज उन्होंने खड़ा करने का भी टाइम आ गया कि शक्ति के राही
सानू कुछ ना कुछ अपने अपना गौरव वापस लेना पैना। लंबी कहानी है, अगर सारी सुनावे तो जिस तरह कहते हैं कि सूर्य उदय दीपक दिखाने वाली गल होगी, मैं वो सारी कहानी नहीं सुना रहा था। लेकिन जी गल बहुत प्रमुख है, मुख मुख गल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी देह त्याग तो बाद उस वेले जी व्यवस्था बनाई गई कि हुण देह रूपी गुरु परंपरा नहीं रहनी चाहिए, हुण ज्ञान रूपी जिहड़ा साडा ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना सन 1608 हो गई सी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने देह त्याग से 1700 कुछ इस विच कीता 100 साल बाद। उस तों बाद आया कि गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ही असीं अपने फाइनल जिहड़े अगले गुरु फॉर एवर उन्होंने मन के चलिए, और फिर उस श्रद्धा नाल साडे गुरुद्वारिआं की स्थापना शुरू हुई। आखिर नांदेड़ साहब गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी अलग है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, पटना साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, तो फिर हरियाणा की प्रबंधक कमेटी अलग होवे ते इहदे की हर्ज है। आखिर ये गल अगे वधी वधी सरकारां ते जिहड़ियां आउंदियां उह कहिंदे ने गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटीन्यूएशन। कोई एक सरकार नूं असीं नहीं कह सकदे कि सरकार ने काम किया, कोई विचार चलता है, कंसैप्शन होंदी, उहदी कंसैप्टलाइज हुंदा, उस तो बाद अगे वधदा, उहदा कोई पेपर बनता, उहदी कोई पॉलिसी बनती है, उहदा कोई एक्ट बनता है। तो ये सारिया चीज़ा चलते चलते 2014 जिसले एक्ट बनया उस वेले सीगा कि हाँ हरियाणा की जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उहनूं ये सारे इंतजाम 52 इतिहासिक गुरुद्वारे उन्होंने मिलनी चाहिए है। लेकिन जिन्होंने थोड़ी तकलीफ सी वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, स्टे लग गया, स्टे लग गया, तो अज ये चीज़ आई सामने कि भी इस स्टे नूं हटवा के और एक डेमोक्रेटिकली अपना समाज हरियाणा का वो चाहता है कि असी व्यवस्था अपनी अलग संभालीए। आखिर असी कोई सिख पंथ तो दूर हो गए, खालसा पंथ तो अलग हो गए, जिहड़ी प्रचार किया जा रहा है ये नहीं है। एक एक डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म सिस्टम होंदा, स्टेटां दी गवर्नमेंट चलदी आ, तो सेंटर की भी तो चलती है, तो स्टेट की गवर्नमेंट चलती है, उस तो बाद फिर शहरां दी नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद भी चलती है, जिला परिषद पंचायत समितियां पंचायतां वो भी चलदियां ही ने। ये अलग अलग काम हर एक समिति के अलग अलग होंदे है, एक शासन व्यवस्था प्रबंध व्यवस्था है, इतना ही है, इस आधार नहीं है। कित भी साड़ी धार्मिक एकता दे विच कोई खलल नहीं है, और वैसे भी मेरा मानना यह है कि धार्मिक व्यवस्था सुप्रीम होंदी है, ये सरकारां दे नाल कोई उसका कोई दखलअंदाजी इस तरह नहीं होंगी कि कोई धार्मिक यानी कमां दे विच सरकार दखलअंदाजी देवे, ना दिती है ना देनी चाहिए है। अन्याय नूं सहन नहीं करो, सब नूं जस्टिस मिले, ये महापुरखां दी जिहड़ी गल है, ये असीं अपने गुरुद्वारिआं दे राहीं अपने मंदरां दे राहीं अपने होर धार्मिक स्थानां दे राहीं ये असीं प्राप्त करने हैं, ये लगातार चलेगा। लेकिन इहदा प्रबंध जिहड़ा है वो स्थानीय तौर पर जिहड़ी एक इकाई उहनूं संभाल सकती है उन्होंने करना चाहिए है। इस तरह इस हरियाणा की जिहड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी लड़ाई है वो लड़ी गई है, सब ने मिल के लड़ी है, उहदे च भावें साढ़े जिंडा साहब हो जगदीश सिंह जी जिंडा साहब भावें नलवी साहब दासन जी हो भावें दादूवाल जी हो भावें संत महाराज जिन्हें भी इतने संतान का महापुरखों का उन्हों का भी विचार जोड़ा मिलया है, इन्होंने भी ताकत पिछों सारी सारी ताकत इन्होंने मिली है। सारे जो मैंबर से कई बार मेरा मिलना हुआ इन्होंने 7-8 साल किस लड़ाई में लड़ी है, उस वेले भी असं क्या जो वकील करना वकील करो, सरकार की तरफों असी वकील करा और असी सारे काम किए। अखीर सुप्रीम कोर्ट ने जरा डिसीजन दिता, मन च प्रसन्नता हुई कि एक अपने हाथ के एक प्रबंधक की एक ताकत मिली है, उस प्रबंधक की ताकत को असी बिना किसी भेदभाव वितकरे तो बिना किसी वितकरे तो सारे समाज के हित में जो काम हो करा। सिक्ख्या की गल आई है, स्कूल कॉलेजों की गल आई है, जिन्ना साहब ने भी कई बार कहा है, बाकी ने भी कहा है, असी उत्थे अस्पतालों की जोड़े कोई मेडिकल कॉलेज भी खुलने तक की गल आ सकती है। पिछले एक बार गल आई कि सिरसा से असी मेडिकल कॉलेज खुलना है, तो असी उस वेले कहा कि कोई धार्मिक यहोजी संस्था अगर आए जिंद को पैसा भंडार है, अगर समाज के काम आएगा और जिनी श्रद्धा बनेगी उन्ना समाज योगदान भी करेगा कि साड़ा फिक्स टैक्स तो है नहीं। जिमें हमने दादूवाल जी कह रहे थे कि असी 4 गुरुद्वारे जोड़े संभाले
उस तो बाद बजट उदा असी प्रॉफिट लै के आए क्योंकि लोगों की श्रद्धा वधी, लोगों को लगता है कि साडा पैसा ठीक जगह जाएगा, खुल के दान भी करते हैं। जिते वो शक हो जाए कि पता नहीं कितने जाएगा, कौन वरतेगा, किवें वरतेगा, उत्थे लोगों के जेब च फिर टटोलते हैं छोटा नोट कड़ा। हुण तो नोट देखते हैं, पहले सिक्के होंदे सी कि सब तो छोटा सिक्का जरा वो जाके चला के आओ, श्रद्धा नहीं है। लेकिन जिते श्रद्धा हो गई उत्थे लोग उस तरह का काम करते, खुल के आते हैं। साड़ी समाज ताकत है और असी तो इस समाज बहुत सारे योजे लोग ने जिन्होंने पार्टीशन का डर स्वी यानी दस्या, उन्होंने लग्या पार्टीशन के पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, उन्होंने भी डांस दस्या है, उन्होंने भी पता है कि समाज की होंगे, समाज के धर्म की होंगे, धार्मिक यात्रा की होंगी, वो सारी चीज़ा सरकार भी इन्हों काम। मैं थोड़ा तो विश्वास दिलाना कि किसी तरह की भी कोई भी गल साढ़े सामने आएगी मदद वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन की प्रबंधक की होएगी या होर भी कोई सरकारी दायरे जी गल कर होएगी, वो अभी पूरे मन न करा, पूरे मन नाल करांगे, उहदे किते भी कोई कंजूसी नहीं वरतांगे। सब नाल मिल के सलाह करके इस प्रबंधन नूं जद तक नवी चोण नहीं हुंदी, क्योंकि नवी चोण वेले ते उही गल है जिहड़ी नलवी साहब ने कही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसैस दे नाल उहदी चोण होएगी। उहदे च चौके पहला एक्ट बनिया सी 18 महीने का कि 18 महीने में चोण करावांगे, तद तक एडॉक कमेटी बनाई गई सी। लेकिन उस ये नहीं सी लिखिया कितने भी कि अगर मान लो कोई कोर्ट के मामला हो जाए, कोई होर कारण हो जाए, 18 महीने बीत जा फिर भी ना हो फिर की करोगे, वो नहीं सी लिखिया। नवे सिरे तो लिख देंगे कि भी हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अज असी यह फैसला किया है, हूँ सानू जो जीरो पीरियड मन के कोर्ट वाला 18 महीने का टाइम सानू दे दौ और असं 18 महीने नवी चोणा करा देंगे। नवी चोण करा के डेमोक्रेटिकली जिन्हों समाज चुनेगा साडा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जिन्होंने चुनेगा ये जी जो भी एडॉक कमेटी होएगी उन्होंने सपोर्ट कर देगी और फिर अपनी व्यवस्था अपनी मर्जी नाल सारे संभालन, सरकार का वो कोई दखलअंदाजी नहीं रहेगी। ये व्यवस्था थोड़ी जी करनी है, दो दिन चार दिन सब नाल सलाह करके करांगे। सबका जोड़े भी साढ़े प्रधान ने, वाइस प्रेजिडेंट ने, जोड़े जनरल सैकटर ने या होर भी जो अहदेदार ने या मैंबरस ने, सब न गल करके पुछ के कि आगू कि लोग ने, हो सकता कि 2014 में कुछ लोग योजना समाज में बहुत अच्छा स्थान से, अज मैं उस लिस्ट में उठा के देखना कई लोग तो रब न प्यारे हो गए, कई लोगों ने अपनी इनेबिलिटी दिखाई है कि मैं नहीं काम कर सकता, योजी भी गलबात हुई है। तो एक नवे सिर तो सारी गलबात सब न सलाह करके आने वाले थोड़े दिन उस व्यवस्था में करा, सब नजर सलाह न करा, बिना सलाह किए नहीं करा, ये मैं वादा करना। इन्ना ही है कि कई बार 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 आया है कि सीएम का साथ दो, मैं इस गल मन के चलना, विश्वास करके चलना कि हरियाणा सरकार के सिस्टम तो कोई बार नहीं रहेगा, ये मेरा विश्वास है।